धर्मांतरण रोकने व गौहत्या बंद करने की मांग को लेकर बलौदाबाजार जिले के खरतोरा से पलारी तक बजरंग दल ने जन आक्रोश रैली निकाली। बजरंग दल के प्रांतीय संयोजक रतन यादव के नेतृत्व में बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई रैली में बाइक सवार भी शामिल थे, जिन्होंने रैली पश्चात पलारी तहसीलदार कुणाल पांडे को ज्ञापन सौंपा। प्रांतीय संयोजक रतन यादव ने कहा कि प्रदेश में चोरी छिपे हो रहे धर्मांतरण पर रोक लगाई जाए तथा धर्मांतरण करने वाले आरोपियों के खिलाफ शासन द्वारा FIR दर्ज की जाए करके ये लोग बच जाते हैं। लेकिन अब हमने एक तरीका अपनाया है, इनको जिस समझ में जो भाषा आएगा उसी भाषा में बजरंगल समझाने को अब तैयार बैठा है। इन लोगों को मैं सीधा चेतावनी देता हूँ प्रेस और मीडिया के माध्यम से, विधर्मियों सावधान रहो और सुधर जाओ। हमारे भोले भाले जनता को अगर इस प्रकार से आप बरगलाओगे, फुसलाओगे और लालच दोगे तो हम तुम्हारी खटिया खड़ी करके रख देंगे पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर। ये ध्यान में रहना चाहिए, अब तुम लोगों का ये सब नौटंकी अब चलने वाला नहीं है ज़्यादा दिन। मैं सीधा ऐलान करता हूँ मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन भी करता हूँ कि आप बोलते जरूर हैं कि धर्मांतरण का कोई अगर कंप्लेन थाने में आता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। लेकिन भिलाई थाने में हमने अभी हाल में कंप्लेन किया था जिसमें मेरे को सेंट्रल जेल लेकर आप लोग गए। गिरफ्तारी से तो नहीं डरे, लेकिन आपने अभी तक के उसमें FIR नहीं किया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप हम लोगों से झूठ बोल रहे हैं। अगर आप सचमुच में चाहते धर्मांतरण। बलौदाबाजार से दिलीप महेश्वरी की रिपोर्ट।